After Jitin Ramanji's resignation ahead of trust vote in assembly, JDU's legislative party leader Nitish Kumar today said Manji only wasted the time of public by delaying the decision. Nitish, who has the support of 130 MLAs in the assembly, also lashed out at the BJP for backing Manji. कि हम लोगों ने प्रारंभ से कहा है कि सदन में बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। आज सुबह ये घटनाक्रम तेजी से घटा है तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पहले कहा 14 दिन के बाद यह सब कुछ हो रहा है और वह भी अचानक जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे लेकिन त्यागपत्र दिया है और क्या किया है पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे लेकिन इसके पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। पावर्ड बाय NNIS।